आशीर्वाद यात्रा के 121वें दिन गोपालगंज से प्रशांत किशोर ने फिर हुंकार भरी। उन्हें कहा कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो जायज है और मौजूदा समय में बनी रहनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि समाज के ऐसे वर्ग जो सामाजिक आर्थिक कारणों से पीछे छूट गए हैं, उनको हमें साथ लेकर चलना ही है। आरक्षण की जो व्यवस्था है वो जायज है, बनी रहनी चाहिए। इसलिए बनी रहनी चाहिए कि समाज के जो वर्ग सामाजिक आर्थिक कारणों से पीछे छूट गए हैं, उनको आपको साथ लेकर चलना ही है। जिस संविधान में जिस प्रावधान की बात कर रहे हैं 10 साल 20 साल की, उसमें यह तय किया गया था कि 10 साल में इनकी स्थिति सुधर जाएगी। 10 साल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये था कि उनकी स्थिति बराबरी की हो जाएगी। मान लीजिए कि संविधान में तय किया गया कि भारत में आर्थिक प्रगति 10 साल में 20 साल में भारतीय आर्थिक तौर पर गरीबी खत्म हो जाएगी, और 20 साल में गरीबी खत्म नहीं हुई, तो क्या गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को बंद कर दिया जाना चाहिए या उसको जारी रखना चाहिए? 20 साल का ये जो तर्क है ये बिल्कुल गलत तर्क है। 20 साल में ये कहा गया था कि 20 साल में सरकारों को समाज को इतना बेहतर प्रयास करना होगा कि 20 साल में जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जो वंचित हैं, वो अगर छूट गए हैं तो उनकी स्थिति सामान्य वर्गों के बराबर हो जाए। वो अगर हुई नहीं तो उस व्यवस्था को तब तक कायम रहना चाहिए जब तक उनको बराबरी का अधिकार न मिल जाए। आर्थिक आधार पर या जातिगत आधार? बिल्कुल जातिगत आधार पर, जो अभी व्यवस्था संविधान में है उसके पक्ष में हमें। अब यहाँ समाज में आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई बात नहीं। यहाँ अगर 35% वाला आदमी शिक्षक बनता है और 90% वाला नहीं बनता है तो शिक्षा व्यवस्था कैसे? आपको लग रहा है कि उसी की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब है? क्यों? एक पहलू तो बिल्कुल नहीं, पहलू बिल्कुल ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। अभी आप सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है, देख लीजिए, उसमें मेंस का जो कट ऑफ है वो ओबीसी वर्गों में जनरल से ज्यादा है। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं ये नहीं आप ये मैं अब दूसरी बात आप समझ जाइए, जो बात भी संविधान संगत नहीं है वो हमारी प्राथमिकता का आधार नहीं है। संविधान में तय किया गया था कि भारत में आर्थिक प्रगति आने वाले 10 से 20 साल में हो जाएगी, देश में गरीबी खत्म हो जाएगी। जबकि देखा जाए तो 20 साल तो क्या अब तक गरीबी खत्म नहीं हुई है? तो 20 साल के बाद आरक्षण को खत्म कर देने वाला जो तर्क है वो बिल्कुल गलत है। आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर अपनी बात रखने के बाद पीके ने बात छेड़ी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। पीके का कहना था कि नीतीश की विश्वसनीयता उनके राजनीतिक जीवन में सबसे निचले स्तर पर है और महागठबंधन की सरकार को जनता का भरोसा ही नहीं मिला। आज वही नीतीश कुमार है, कोरोना के दौरान हजारों लोगों की असमय मृत्यु हो गई, हजारों लड़के रोड पर बिहार के मारे मारे फिरते रहे, नीतीश कुमार ने उनकी मदद के लिए कोई प्रयास, बिल्कुल कोई प्रयास नहीं किया। आज वही नीतीश कुमार हैं शराबबंदी में सैकड़ों लोग उनकी दुखद मृत्यु हो रही और वो हंस के पॉकेट में हाथ डाल के कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो आप देखिए, प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और एज ए ह्यूमन बींग, तीनों ही स्तर पे नीतीश कुमार के 14-15 नीतीश कुमार और आज में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। एक और बात आप समझिए, लोकतंत्र में संविधान लोकतंत्र ही आपको बताता है कि जिस दल, जिस विचारधारा, जिस व्यक्ति, जिस नेता में भी आपका भरोसा है आप उसकी मदद कीजिए, उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो भरोसा, वो वोट 5 साल के लिए है, 5 साल की एक निधि, एक अवधि तय की हुई है। अगर वो दल, वो नेता 5 साल में आपके विश्वास पर खरा नहीं उतरता है तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उनका साथ दिया है उतनी ही मजबूती से आप उनका विरोध भी करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तब तो आप देश में राजतंत्र ला देंगे। एक बार कोई आ गया फिर जिंदगी भर आप उसी के बंधुआ मजदूर बन के वोट देते रहिए। एक और जो आपने सवाल किया कि दोनों महागठबंधन में फर्क क्या है, फर्क सबसे बड़ा है जनता का मैंडेट। 2014-15 के महागठबंधन को जनता का विश्वास था, जनता ने उसको वोट दिया था। अभी का जो महागठबंधन है इसको जनता ने वोट नहीं दिया है। तो नीतीश कुमार ने 2014-15 के बाद 2 बार ये विश्वासघात कर दिया। पिछली बार आपको लालटेन के साथ मिला, कांग्रेस के साथ जनादेश मिला, आप भाजपा के साथ चले गए। इस बार आपको आधार सुधा ही सही, लेकिन जनादेश आप लड़े भाजपा के साथ, अब आप लालटेन के साथ चले गए। यही वजह है कि नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है, उनकी विश्वसनीयता है, वो आज उनके जीवन में शायद सबसे निचले स्तर पर है। सबसे ज्यादा अगर किसी समाज में किसी के प्रति गुस्सा है, उदासीनता है, लोग मजाक का पात्र जिसको बनाए, वो नीतीश कुमार है।
पीके ने याद दिलाया कि किस तरह कोरोना काल में नीतीश सरकार कुछ खास नहीं कर सकी थी, किस तरह नीतीश कुमार ने जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा। प्रशांत किशोर का कहना था कि अब नीतीश कुमार बदल चुके हैं। नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पर प्रशांत किशोर का यह हमला नया नहीं है। नई होती हैं तो वो बातें जो पीके जनता के सामने लाते हैं। जनता पीके की बातों का कितना भरोसा करती है ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल जनसुराज पदयात्रा का यह चौथा जिला है। 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई पदयात्रा पश्चिम चंपारण, शिवहर और पूर्वी चंपारण होते हुए गोपालगंज पहुंची है। प्रशांत किशोर इस पदयात्रा के जरिए अब तक 1400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुके हैं। गोपालगंज जिले में वो करीब 5 दिन और रुकेंगे। जनसुराज पदयात्रा का गोपालगंज जिला अधिवेशन 2 फरवरी को शहर के गांधी कॉलेज में प्रस्तावित है। इस अधिवेशन में गोपालगंज जिले के सभी पंचायतों और प्रखंडों से लोग आएंगे और जनसुराज की आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे।